जी, अनुज कुमार एसपी ट्रैफिक इंटेलिजेंस, एसडीपीओ सिद्धार्थ जैन, वाइस प्रिंसिपल एनएल रोहित साहब, एवाईएम के यूनिट हेड प्रेसिडेंट श्री श्रीश साहब, रवि पांडे जी और उनकी एवाईएम की टीम, हमारे इंडस्ट्री से आए हुए साथी सुनील जी, अतुल जी, मीडिया के साथी, मेरे पुलिस के साथी और बाकी सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी को मेरा नमस्कार। ये इसके अलावा अगर डॉक्टर्स की टीम में से हैं तो डॉक्टर अजय साहब हैं या फिर नहीं, उनका भी मैं नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि उनकी पूरी टीम जो है वो यहाँ आई हुई है, उनके यहाँ पार्टनर नहीं है बाकी लोग, बट सब लोग काम कर रहे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको अभी ऑलरेडी बताया जा चुका है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने ये हेल्थ चेकअप जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया, बट फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया और मेरे बाकी जो साथी हैं, एसपी दमन मेरे बैचमेट हैं, उनसे डिस्कशन हुआ तो उन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर सर को अच्छे फिट पुलिस वाले बहुत पसंद हैं। तो जब ये आइडिया आया उसके साथ मैंने देखा कि आप बहुत एक्टिविटीज जो है वो हम लोग फिजिकली अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए करते रहते हैं, चाहे वो फिट इंडिया मूवमेंट के तहत हो या इंडिविजुअल कोई इनिशिएटिव किसी डिपार्टमेंट का होगा, और इसके चलते हमने कई बार हमारे यहाँ पे योगा कैंप भी करवाए और फिजिकल एक्सरसाइज भी कराई और तरह तरह की और एक्टिविटीज़ भी पास्ट में हम लोगों ने हमारे स्टाफ को फिट रखने के लिए करवाई, ऑर्गेनाइज करवाई। बट हम देखते हैं फिर भी एक फिटनेस को अगर अच्छी रखना है तो पहले आपका हेल्थ का क्या स्टेटस है वो पता होना चाहिए। मैंने जब ज्वाइन किया तो काफ़ी लोग मुझसे मिलते रहे, आप मीडिया के साथ ही थी, इंडस्ट्रीज के साथ ही थी, काफ़ी लोगों ने मुझसे मुलाकात की। तो जब इंडस्ट्री से बात हुई तो रवि जी आए तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप लोग हमारे लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, मैंने कुछ आइडियाज़ भी दिए, मैंने कहा ये वोकेशनल ट्रेनिंग हम लोग कर लेते हैं मिलके और हेल्थ चेकअप कर सकते हैं कुछ, और मैंने कहा आप इंडस्ट्रीज और पब्लिक या पुलिस की बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं, तो आइडिया है कि एक हेल्थ चेकअप जो है वो हम लोग हेल्प कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा टाइम लगा बट काफ़ी अच्छी डॉक्टर्स की टीम यहाँ आई है, और अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप, जैसे आप कहीं भी हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं किसी भी सबसे अच्छे हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो यही स्टेप्स होते हैं, और ये बेसिक और जो अबव एवरेज वाले टेस्ट सारे के सारे यहाँ पे हो रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, not just for the interaction but I would say for the symbiotic relationship in between the corporate sector, in between the corporate paraphernalia and the police personnel in the police department, and more so for a very specific purpose. Hum yahan ek medical camp ke bahane uske pretense par ikatthe hue, and that is I would say in the post covid time is the new currency. Health is the new currency, and more so, I'm more so talking in the specificity of police personnel, क्योंकि हमारा field work ज़्यादा है और fixed duty hours नहीं है, तो ये issue और भी ज़्यादा prominent हो जाता है। इसमें आप लोगों के सहयोग से जो ये medical camp organize हुआ उसके लिए we are rather grateful. And we will hope that this arrangement will continue in future. चीज़ से शुरू करना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा कोट है जो हम सुनते रहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कदाचित् भाग्यं। तो ये जो मोटो है इसमें यही कहा जाता है कि हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, अगर हम अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो कम्युनिटी बेटर होगी, कम्युनिटी बेटर होगी तो सोसाइटी बेटर होगी, सोसाइटी बेटर होगी तो नेशन बेटर होगी। और जैसा कि अभी पहले प्रेसिडेंट साहब बता रहे थे कि कोविड ने हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई है, और कोविड के बाद हमने कई चीज़ों को ऑब्जर्व भी किया है, और इस साल बेसिकली हमने हमारे दो साथी खोए हैं हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो ये एक हमारे लिए भी लेसन था कि कई बार हेल्थ इश्यूज रहते हैं और सामने नहीं आते हैं, और टाइमली सामने नहीं आते हैं इसलिए टाइमली एक्शन नहीं हो पाता है, और टाइमली एक्शन नहीं हो पाता तो फिर ऐसी फेटलिटी हो जाती है जिसका फोर्स को भी नुकसान है, फैमिली को भी नुकसान है, कम्युनिटी को भी नुकसान है। तो
जब ये चीज़ें डिस्कस हुई एसपी सर से, तो सर का एक माइंड पता चला, सर ने बोला कि हम एक मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप कराते हैं। तो कोई नया चीज़ नहीं है, हेल्थ चेकअप कैंप पहले भी होते रहे, बट इस बार हमने कुछ चीज़ें ऐसी करी कि अब जब ये हेल्थ चेकअप कैंप होगा तो हमारे पास एक रिकॉर्ड बनाएगा हमारे स्टाफ का। अब जब रिकॉर्ड बनेगा तो हम उस स्टाफ पे फोकस कर सकते हैं कि भाई उसके अगर कुछ हेल्थ में कुछ कमी है तो उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकें, इधर टू मेडिकल इंटरवेंशन या एक्सरसाइज योगा फिटनेस इस तरह के कैंप लगा के, या उनकी ड्यूटीज हम कैसे कर सकते दिलवा सकते कि जिनसे उनकी हेल्थ पे उनका फोकस थोड़ा ज़्यादा बढ़े। और जो एक बहुत अच्छा पॉइंट आप कह रहे थे कि ये रेगुलर, तो जैसे दो साल का है तो मैं तो कहता हूँ 2 साल तो लंबा टाइम है, 1 साल में एक बार होना बेटर है। तो बहुत अच्छी बात है कि AYM कंपनी लिमिटेड शायली की ओर से मेगा कैंप, मेडिकल मेगा कैंप का आयोजन किया, जो पुलिस डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग होम गार्ड्स के लिए ये आयोजित किया गया है। इसमें हमारे पुलिस में जनरल चेकअप, उसके बाद एक्सरे, ECG, डेंटल, रेडियो, ऑडियोलॉजी, एक्सरे, गायनेक, सभी प्रकार के मेल फीमेल पुलिस पर्सनल को ये मेगा मेडिकल कैंप के जरिए हम लोग मेडिकल चेकअप करा रहे हैं। तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन शामिल हुए थे? हमारे दादरा नगर हवेली के SP DNH श्री RP मीना सर, SP इंटेलिजेंस ट्रैफिक एंड प्रिंसिपल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल साइली श्री अनुज कुमार सर, SDPO सिलवासा एंड खानवेल श्री सिद्धार्थ जैन सर, और सभी अफसर गण इसमें शामिल थे। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अतुल जी और दूसरे कलीग्स, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें अंदर शामिल थे। धन्यवाद। कितने जवान? ये हमारे 284 जवान हैं और 380 के करीब हमारे पुलिस होमगार्ड्स हैं जो मेगा कैंप के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसका लाभ लेंगे। सबसे पहले तो मैं इंडस्ट्री की तरफ से हमारे साथी AYM सिंटेक्स के मैनेजमेंट प्रेसिडेंट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रवि पांडे जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने ये प्रोग्राम किया। जैसा आप जानते हो कि जितनी इंडस्ट्रीज़ है यहाँ वो हमेशा CSR के लिए आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है, नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेशन बट यहाँ के लोकल पीपल की जो भी ज़रूरियात है वो थ्रू CSR पूरा करने की कोशिश करते हैं। और आज के जो प्रोग्राम है, जैसे आपको उसको मोटो, जैसे सर्व देम हू सर्व अस, बहुत ही अच्छा मोटो AYM ने किया है कि जो पुलिस कर्मचारी 24 घंटे हमारे साथ रहती है, हमारी जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाता है, तो उनको सर्व करने के लिए ये स्पेशल कैंप रखा गया है। और ये कैंप जो है वो थरो चेक है, जैसे आप कोई भी अच्छी हॉस्पिटल में फुल चेकअप कैंप करा रहे हो ऐसा ही यहाँ एवरीथिंग विल बी चेक्ड, तो जो जो ज़रूरत है वो हिसाब से चेकिंग होगा। और इंडस्ट्री की तरफ से जहाँ जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत है, लोकल पब्लिक को ज़रूरत है, हमेशा हम उनके साथ हैं। बेसिकली पिछले 25-26 सालों से मैं सिलवासा रहता हूँ और इस बीच में मैंने DNH पुलिस को देखा है कि हर काम में, हर समय, वो इंडस्ट्री हो या आम जनता, हमेशा सबके लिए खड़ी रहती है। इनकी कर्तव्य परायणता, निष्ठा और ईमानदारी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इन सबको देखते हुए हमने सोचा कि हमें भी DNH पुलिस के लिए कुछ करने का प्रयास करना चाहिए, और हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक RP मीणा सर ने हमें ये सलाह दी कि बार बार कोविड के बाद होने वाले स्वास्थ्य कठिनाइयों को देखते हुए आप एक मेडिकल कैंप अपने तरफ से आयोजित कराएं, जिसको आज हमने आयोजित किया। इसमें हमने ऑडियोमेट्री, एक्सरे, ECG, जनरल टेस्ट, आई टेस्ट, ब्लड शुगर, सारे टेस्ट का हमने अरेंजमेंट, सारी इक्विपमेंट, सारी मशीनें हम लेके यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हम रिपोर्ट जो सबमिट कराएंगे उसमें हमें आइडेंटिफाई करके देंगे कि किसको क्रिटिकल क्या हेल्प की जरूरत है, कौन स्वस्थ है। इस कार्य के लिए मैं अपने AYM कंपनी के मैनेजमेंट, हमारे चेयरमैन श्री राजेश मंडावे वाला, हमारे MD अभिषेक मंडावे वाला, हमारे प्लांट हेड श्री बस माथकर जी और हमारे पूरी मैनेजमेंट को, खासकर हमारी HR टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कैंप के लिए बहुत मेहनत किया। और हमें उम्मीद है
कि डीएनएस पुलिस और इंडस्ट्री एक दूसरे से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा सिलवासा की सुख और शांति के लिए काम करते रहे।